प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार आज हम एक पाठ के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण विधा से परिचित कराएंगे वह विधा आकार में सर्वाधिक विस्तृत होती है और अनेक दूसरी विधाओं को अपने भीतर समेट भी सकती है साथ ही दूसरे अनुशासनों जैसे समाजशास्त्र, इतिहास आदि को भी अपने भीतर पचाकर मार्मिक रूप दे सकती है आप समझ ही गए होंगे कि यह विधा जीवन की व्यापकता और जटिलता को संपूर्णता में चित्रित कर सकती है अब तक आपको यह संकेत मिल गया होगा कि हम किस साहित्यिक विधा की बात कर रहे हैं जी हाँ हमारा आशय उपन्यास से है आपके पाठ्यक्रम में एक पाठ है विराटा की पद्मिनी यह उपन्यास ही है अनेक तत्वों एवं विशेषताओं के आधार पर हम विराटा की पद्मिनी की चर्चा करेंगे उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं हिंदी उपन्यास को हम तीन युगों में बांटते हैं प्रेमचंद पूर्व युग प्रेमचंद युग प्रेमचंदोत्तर युग आप जानते ही हैं कि इन तीनों युगों के विभाजन में प्रेमचंद का नाम क्यों रखा गया इसलिए कि प्रेमचंद हिंदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और उन्होंने उपन्यास के स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन किया स्पष्ट है कि प्रेमचंद युग में किसी भी उपन्यासकार के लिए लिखना और लोकप्रिय होना चुनौतीपूर्ण रहा होगा विराटा की पद्मिनी के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा प्रेमचंद युग के ही उपन्यासकार हैं उन्हें हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है हिंदी की ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा में उनका अद्वितीय योगदान है वृंदावन लाल वर्मा का समय अठारह से उन्नीस है उनके गढ़कुंडार विराटा की पद्मिनी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई कचनार मृगनैनी टूटे कांटे माधव जी सिंधिया भुवन विक्रम जैसे उपन्यास विशेष महत्व के हैं इन उपन्यासों में से विराटा की पद्मिनी की रचना 1933 ईसवी ईस्वी में हुई और यह पहली बार 1936 ईसवी ईस्वी में प्रकाशित हुआ शिक्षार्थियों वर्मा जी के व्यक्तित्व की कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन्होंने उन्हें ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की ओर प्रेरित किया शिकार और घुमक्कड़ी के शौक के कारण उन्होंने बुंदेलखंड का चप्पा चप्पा छान लिया था उन्हें बुंदेलखंड की धरती वहाँ की संस्कृति और भाषा शैली के प्रति गहरा लगाव था साथ ही इतिहास के अध्ययन में भी उनकी गहरी रुचि थी इन सब के साथ साथ देशभक्ति का भाव उन्हें विरासत में मिला था बुंदेलखंड की अदम्य वीरता समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुषमा इतने मनोयोग के साथ उनकी रचनाओं में मिलना उनके देश प्रेम का ही परिचायक है शिक्षार्थियों आपने विराटा की पद्मिनी उपन्यास पढ़ा तो होगा ही यदि नहीं पढ़ा है तो उसे अवश्य पढ़ लें आगे जो बातें हम करने जा रहे हैं उन्हें बेहतर रूप से समझने के लिए आपके लिए उपन्यास का पढ़ा होना अत्यंत आवश्यक है वैसे आपकी सुविधा के लिए हम इस उपन्यास की कथा संक्षेप में आपको सुना देते हैं तो आइए इस कथा को एक बार सुन लेते हैं दिलीप नगर का एक राजा था नायक सिंह वह बड़ा सनकी तथा अध था मकर संक्रांति का दिन था और इस अवसर पर राजा अपने दरबारियों के साथ पालर की झील में स्नान करने आया इस दौरान राजकुमार कुंजर सिंह और सैनिक सरदार लोचन सिंह देवी के दर्शन के लिए दुर्गा मंदिर गए ठीक उसी समय कालपी के फौजदार अली मर्दान के दो मुसलमान सैनिक भी वहाँ आए दोनों तरफ के सैनिकों में झड़प हो गई झड़प ने छोटे मोटे युद्ध का रूप ले लिया कालपी के सैनिक दुर्गा मंदिर मंदिर को नष्ट करके दुर्गा का अवतार माने जाने वाली दांगी कन्या कुमुद का अपहरण करना चाहते थे इधर दलीप नगर का सनकी राजा भी कुछ कम न था वह कुमुद के सौंदर्य की कहानी सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने महल में रखना चाहता था सन की तो वह था ही इस सनक के चलते काल्पी सैनिक टुकड़ी पर आक्रमण कर देता है और मारकाट मच जाती है शिक्षार्थियों नायक सिंह की हार बस होने को ही थी कि एक बहादुर बुंदेला देवी सिंह उधर आ निकला वह पार्लर में बारात के साथ दूल्हा बनकर आया था वह नायक सिंह की रक्षा करता है कालपी के सैनिक पराजित होकर भाग जाते हैं पर इस लड़ाई में राजा और वह युवक देवी सिंह घायल हो जाते हैं उपचार के बाद दोनों स्वस्थ हुए देवी सिंह राजा का प्रिय हो गया वह राजा के ही साथ रहने लगा उधर कुमुद के प्रति श्रद्धा होने पर राजकुमार कुंजर सिंह के मन में उसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है कुमुद भी कुंजर के प्रति आकर्षित होती है इस प्रेम के कारण कुंजर सिंह कुमुद को अली मर्दान और नायक सिंह दोनों से बचाने का संकल्प करता है इस बीच राजा नायक सिंह का स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया एक दिन वह मर गया और राजा बना देवी सिंह आप सोच में पड़ जाएंगे कि राजकुमार तो कुंजर सिंह था वह राजा क्यों नहीं बना इसका कारण है कुंजर सिंह का दासी पुत्र होना खुद कुंजर सिंह भी देवी सिंह के राजा बनाए जाने का विरोध करता है पर कुछ हो नहीं पाता राजा नायक सिंह की छोटी पत्नी यानी छोटी रानी भी विद्रोह करती है वह स्वयं दिलीप नगर की गद्दी पर बैठना चाहती है इसके लिए वह अली मर्दान को राखी राखीबंद भाई तक बनाती है धूर्त नौकर रामदयाल यह सब करने में छोटी रानी की मदद करता है कुंजर इन सब से अलग स्वतंत्र वृत्ति का है वह देवी सिंह का तो विरोधी है पर अली मर्दान की सहायता लिए जाने का विरोधी है इस कारण से वह छोटी रानी के क्रोध का शिकार भी होता है कुंजर सिंह सिंहगढ़ के खिले पर कब्जा करके वहीं रहने लगता है परिस्थितिवश छोटी रानी भी अली मर्दान कुमुद के रूप का लोभी तो है परिस्थितिवश छोटी रानी भी वहां आ जाती है अली मर्दान कुमुद के रूप का लोभी तो है ही वह उसे अपने हरम में शामिल करना चाहता है अली मर्दान भय से भयभीत होकर नरपति सिंह कुमुद को लेकर विराटा के दुर्ग में चला जाता है उधर कुंजर सिंह को भी सिंहगढ़ छोड़ना पड़ता है वह देवी सिंह से पराजित हो जाता है भटकता हुआ विराटा के किले में पहुंचता है तो वहां उसे विराटा के दुर्गा मंदिर की रक्षा का भार सौंपा जाता है छोटी रानी सिंहगढ़ के दुर्ग से निकल कर रामनगर के किले में शरण लेती है जो कि विराटा का पुश्तैनी दुश्मन है अब अली मर्दान कुमुद को पाने के लिए विराटा पर आक्रमण कर देता है उधर देवी सिंह भी इच्छा न होने पर भी विराटा पर ही आक्रमण करता है कारण है कुंजर सिंह कुंजर सिंह जो खुद कुमुद से प्रेम करता है उसकी रक्षा का भार लेता है विराटा की गढ़ी दोनों तरफ से घिर जाती है विराटा का राजा और वहाँ के सैनिक केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ते हैं और अंत में लड़ते लड़ते मृत्यु का आलिंगन करते हैं कुंजर सिंह कुमुद की रक्षा के लिए उसे लेकर मंदिर से बाहर निकलता है और जब वह बाहर निकलता है तो कुमुद कुंजर सिंह के गले में जंगली फूलों की एक माला डालती है दोनों अलग अलग राहों की ओर चले जाते हैं कुंजर सिंह का सामना देवी सिंह से होता है वह देवी सिंह के हाथों मारा जाता है उधर अली मर्दान कुमुद का पीछा करता है पर वह उसके हाथ नहीं पड़ती बेतवा में कूद कर प्राण त्याग देती है और अपना नाम विराटा की पद्मिनी सार्थक करती है फूल उड़ जाते हैं और गंध रह जाती है प्रिय शिक्षार्थियों अभी आपने विराटा की पद्मिनी उपन्यास की कथा संक्षेप में सुनी अब यह हम देखेंगे कि किसी भी उपन्यास का विवेचन कैसे किया जाता है आपने कभी सुना भी होगा कि किसी भी उपन्यास का विवेचन करने के लिए कुछ तत्वों को आधार बनाया जाता है कथा वस्तु पात्र एवं चरित्र चित्रण परिवेश या वातावरण संवाद योजना भाषा शैली एवं उद्देश्य अथवा संदेश शिक्षार्थियों विराटा की पद्मिनी को समझने समझाने के लिए भी हम इन्हीं तत्वों को आधार बनाएंगे पर थोड़े से परिवर्तन के साथ इसका कारण यह है कि यह है एक ऐतिहासिक उपन्यास है कथावस्तु को समझने के लिए हम कथा में इतिहास और लोक कथा और विषय वस्तु और संदेश शीर्षकों के माध्यम से इसके कथानक की चर्चा करेंगे शिक्षार्थियों विराटा की पद्मिनी में इतिहास प्रमुख नहीं है उसका सहारा मात्र लिया गया है इसकी कथा जिन राज्यों से संबद्ध है वे राज्य हैं दलीप नगर बड़नगर विराटा रामनगर भांडेर और कालपी इन राज्यों में से अधिकतर का उल्लेख इतिहास की किताबों में नहीं मिलता पर इनके गढ़ और उनके अवशेष आज भी बुंदेलखंड में मौजूद हैं बुंदेलखंड के लोगों के बीच हम इतिहास से संबंधित अनेक लोक कथाएँ और किमदंतियाँ प्रचलित देखते हैं इन्हीं में से एक लोक कथा दांगी कन्या की भी है जिसे आधार बनाकर वर्मा जी ने अपने उपन्यास के कथा संसार का निर्माण किया है अपनी कल्पना को उन्होंने इस दांगी कन्या के रूप जनता की उसके प्रति असीम श्रद्धा उसके प्रेम और बलिदान की मार्मिक कथा प्रस्तुत की है इस कथा में उन्होंने दिलीप नगर राज्य के आंतरिक षड्यंत्रों तथा छोटे छोटे हिंदू राजाओं के आपसी वैमनस्य और कालपी के फौजदार अली मर्दान से उनके युद्ध का वर्णन करके कथा को और भी रोचक तथा सार्थक बनाया है इससे स्पष्ट है कि विराटा की पद्मिनी में इतिहास लोक कथा और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है वर्मा जी उस काल के ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रस्तुत करते हैं और लोक कथाओं की मुदंतियों तथा कल्पना का भी सहारा लेते हैं शिक्षार्थियों इस उपन्यास को और आगे समझने के लिए आइए अब इसके विषय वस्तु और संदेश की ओर चलते हैं किसी भी उपन्यास का यह उद्देश्य नहीं होता कि वे के, वह केवल कथा कहे और उसके माध्यम से पाठकों का मनोरंजन भर करे वर्मा जी का भी यह उद्देश्य नहीं था दरअसल विराटा की पद्मिनी के माध्यम से वर्मा जी चरित्रों को आधार बनाकर बुंदेलखंड के दिव्य प्रेम और अपूर्व बलिदान को दिखाना चाहते हैं उपन्यास में कुंजर कुमुद और गोमती जैसे पात्र हैं जो देशभक्ति वीरता निर्भीकता जैसे असाधारण गुणों का परिचय देते हैं अली मर्दान जनार्दन नायक सिंह रामदयाल जैसे पात्र सत्ता के लिए षड्यंत्र भोगविलास स्वार्थ आदि में पड़े दिखाए गए हैं कुंजर सिंह और कुमुद दोनों में ही स्वदेश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और दोनों ही आत्मसम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए आत्म बलिदान करने का मार्ग चुनते हैं गोमती का चरित्र भी बलिदान और त्याग का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है उपन्यास में बुंदेलखंड के लोक जीवन और प्राकृतिक परिवेश का मोहक चित्रण है विभिन्न पात्रों के परस्पर व्यवहार से मानवीय विशेषताओं और उनकी चरित्र की उदात्तता का रेखांकन किया गया है स्वाधीनता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देने का संदेश दिया गया है इस उपन्यास में यही इस उपन्यास की कथा की वस्तु है शिक्षार्थियों आइए अब हम उपन्यास के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण की विशेषताओं की चर्चा करें यानी इसके पात्र कैसी विशेषताएं रखते हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे इस उपन्यास में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनकी ओर संकेत भर किया गया है उनका विस्तृत चित्रण नहीं किया गया उदाहरण के लिए बुंदेलखंड के सामान्य एवं साधारण पात्र उनके शौर्य बलिदान और भावों का उपन्यास में उल्लेख है पर उनका अलग अलग रूप में चित्रण नहीं है वे समूह के रूप में हैं। इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र दांगी कन्या कुमुद है जिसे विराटा की पद्मिनी कहा गया है दांगी कन्या कुमुद को विराटा की पद्मिनी इसलिए कहा गया है कि उसकी कहानी चित्तौड़ की पद्मिनी या पद्मावती से मिलती जुलती है एक साधारण दंगी किसान नरपत सिंह की पुत्री है वह और जन्म से अतिव सुंदर है किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसके सौंदर्य और तेज की ख्याति चारों ओर फैल जाती है चंपा के समान गोरी सुगंधमय तथा कमल के समान कोमल होने के कारण कुमुद पद्मिनी नाम से विख्यात हो जाती है लोग उसे दुर्गा का अवतार मानते हैं उसका पिता भी स्वार्थवश उसे इसी रूप में प्रचारित करता है इस प्रकार उस पर देवत्व का आरोप हो जाता है दिलीप कुमार के राजकुमार कुंजर सिंह के प्रति उसका प्रेम विकसित होता है पर दोनों ही इस विषय में चुप रहते हैं मौन रहते हैं कुंजर सिंह के मारे जाने पर वह अली मर्दान से अपनी रक्षा के लिए बेतवा नदी में छलांग लगा देती है इस प्रकार कुमुद का चरित्र दिव्य प्रेम और बलिदान की एक मधुर कल्पना है अभी तक आपने कुमुद के चरित्र को समझा और उसकी विशेषताओं को जाना इस उपन्यास का दूसरा प्रमुख पात्र है कुंजर सिंह वह है तो दिलीप नगर का राजकुमार पर दासी पुत्र होने के कारण राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है देवी सिंह को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाने के बाद कुंजर सिंह की राजगद्दी पाने की क्षीण आशा समाप्त हो जाती है इस बीच कुमुद से उसका प्रेम हो गया है और वह अपने कामुक पिता तथा काल्पी के फौजदार अली मर्दान से उसकी रक्षा करने का निश्चय कर चुका है देवी सिंह के राज सिंहासन पर आसीन हो जाने पर वह विद्रोह कर देता है और सिंहगढ़ नामक दुर्ग पर कब्जा करके वहां भावी युद्ध के लिए सैन्य संगठन करना आरंभ कर देता है वह छोटी रानी द्वारा अली मर्दान की सहायता लेने का विरोध करता है क्योंकि वह देशभक्त है और स्वार्थवश विदेशियों की सहायता लेना उचित नहीं समझता एक स्थिति ऐसी आती है जब वह कुमुद के प्रति अपने प्रेम को छिपाता नहीं और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देने की मंशा रखता है विराटा पर अली मर्दान और देवी सिंह एक साथ आक्रमण करते हैं कुंजर सिंह इस युद्ध में अद्भुत वीरता और रण कौशल का परिचय देता है पर वह गढ़ का पतन रोक नहीं पाता गढ़ का राजा और अन्य सैनिकों के साथ कुंजर सिंह भी केसरिया बाना धारण करके जौहर व्रत व्रत का संकल्प कर मंदिर से कुमुद को लेकर बाहर निकलता है बाहर निकलते ही देवी सिंह के हाथों वीर गति को प्राप्त होता है इस प्रकार कुंजर सिंह एक वीर योद्धा स्वाभिमानी देशभक्त और सच्चे प्रेमी के रूप में सामने आता है देश और प्रेम के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना प्राणों की बलि चढ़ा देना उसके चरित्र की प्रमुख पहचान है इस उपन्यास में अली मर्दान एक प्रमुख पात्र है। वह कालपी का है। वह का फौजदार मुगल दरबार की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है वह कालपी के आसपास के हिंदू राज्यों पर नजर रखता है और उन्हें डराता धमकाता है उसके पास बड़ी सेना है और रणनीति का ज्ञान भी उसे अच्छा है पालक में अपने सैनिकों की पराजय के बाद वह दिलीप नगर के राजा को एक पत्र भेजता है पत्र में कड़ी शर्तों का पालन न करने पर युद्ध की धमकी देता है नायक सिंह की मृत्यु के बाद वह विद्रोही छोटी रानी का राखीबंद भाई बनकर अपने दरबारियों और रामदयाल के उकसाने पर कुमुद को अपनी रानी बनाने का निश्चय करता है वह विराटा के गढ़ को ध्वस्त कर देता है पर कुमुद को प्राप्त नहीं कर पाता अली मर्दान के चरित्र का एक उज्जवल पक्ष भी शिक्षार्थी हो वह यह है कि वह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता वह दुर्गा का मंदिर ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करता कुमुद को भी रानी बनाने का निश्चय तब करता है जब उसे यह समझाया जाता है कि वह दुर्गा का अवतार नहीं है और कुंजर सिंह उसे अपने प्रेम जाल में फंसा अपनी पत्नी बना लेगा अंत में वह कुमुद के प्रति श्रद्धा भाव से भी भर जाता है अतः वर्मा जी ने अली मर्दान को अनेक दुर्गुणों के साथ धार्मिक सहिष्णुता मानवीय सहानुभूति संवेदना संवेदनशीलता आदि के शासक के रूप में चित्रित किया है अब कुछ ऐसे पात्र हैं जो हैं चाहे प्रमुख न हो बड़े पात्र न हो लेकिन हैं जैसे नायक सिंह वह दिलीप नगर का राजा है वह अयोग्य विलासी सन की आधा पागल असंयमी अतिक्रोधी विवेकहीन और डींग हाँकने वाला साथ ही अविचारी अविश्वासी कान का कच्चा और चरित्रहीन है वह उन सामंतों का प्रतिनिधि है जो अपने राज्य को मिट्टी में मिला देते हैं उसके राज्य में प्रजा दुख भोगती है और दरबारी खुशामदी वृत्ति अपनाकर राज्य को दुर्बल और साधनहीन बनाते हैं एक पात्र है रामदयाल जो राजा नायक सिंह का मुंह लगा और प्रिय नौकर है वह अत्यंत स्वार्थी झूठा खुशामदी, आत्मसम्मान से शून्य मक्कार धर्म भाव से रहित क्रूर कायक और चरित्रहीन व्यक्ति है राजा नायक सिंह की वासना पूर्ति के लिए वह युवतियों का अपहरण करता है छोटी रानी के आदेश पर जनार्दन शर्मा का सिर कर लाने का वचन देता है छोटी रानी के साथ मिलकर तरह तरह के कुचक्र रचता है कुल मिलाकर वह एक खल चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है शिक्षार्थियों अब तक जो हमने चर्चा की उसके माध्यम से आपने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया होगा और कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जैसे हमने ये चर्चा की कि वृंदावन लाल वर्मा किस काल के उपन्यासकार हैं उनका महत्व क्या है विराटा की पद्मिनी उन्होंने क्यों लिखा विराटा की पद्मिनी की विषय वस्तु क्या है उसका कथानक कैसा है इसके साथ साथ उसमें जो चरित्र मिलते हैं जो पात्र मिलते हैं उनमें से जो प्रमुख पात्र हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं यह अब तक जो हमने चर्चा की यह इस उपन्यास को समझने के लिए एक अंश की प्रस्तुति थी अगले अंश में हम इस उपन्यास की कुछ और तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे तो आप प्रतीक्षा कीजिए उस अगले अंश की